नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे जो रत्न आपने पहने हुए हैं, जो रत्न आप पहन चुके हैं कई सालों से, आपको लग रहा है इनका आपको पहले बहुत फायदा मिला, लेकिन धीरे धीरे इनकी एनर्जी, इनका अपना जो एक ओरा मंडल है वो कम होता चला जा रहा है। जा दूसरी भाषा में बोला जाएगा कि जो आप इनसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए थे बहुत ज्यादा, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं रत्न आपको डिसअपॉइंटेड कर रहा है। तो ऐसे कौन से रास्ते हैं जो रत्न को जगाया जा सकता है, ऐसे कौन से रास्ते हैं जो रत्न की एनर्जी को 100 नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ गुना आगे बढ़ाया जा सकता है? है कुछ ऐसा टिप्स? तो बात करेंगे। आज मैं आपको ऐसा ही टिप देने जा रहा हूं, हो सकता है कुछ बंदे इस टिप को, मैं यहां पे बोल रहा हूं जेमस्टोन एक्सपर्ट बोलेंगे कि ये बहुत गहरा राज आप बताने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ज्योतिष को बोला गया है ये गुप्त साइंस है, लेकिन बात हो रही है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। जैसे आपने पुखराज पहन रखा है, पुखराज आपको लग रहा है पहले पहले तो मेरे को बहुत अच्छा रहा, मेरे पास धन दौलत मांस मान इज्जत इच एंड एवरीथिंग आना शुरू हो गया, धीरे धीरे ग्राफ गिरता चला जा रहा है, ये कैसे हो गया? इसके पीछे मैं बताता हूं रीजन क्या होता है। देखिए इसके पीछे रीजन होता है, जो स्टोन होता है उसकी अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी एनर्जी, वो कम हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने रिमोट है तो ये रिमोट आप ले लें, इसके अंदर जब हम सेल डालेंगे तो इसको बेशक नीचे करके भी चलाएंगे तो डेफिनेटली चलेगा, एलसीडी भागेगी चलेगी, लेकिन जैसे जैसे एक टाइम आ जाएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, सेल की जो अपनी एनर्जी है वो कम होने के कारण आप फ्रंट पे भी जाएंगे तो भी कई बार ऑपरेट नहीं होता। तो बात कर रहे हैं अगर आपने पुखराज डाल रखा है तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सैफ्रॉन केसर जिसे बोलते हैं, ये आप लगाना शुरू कर दे तिलक में, इसको जुबान पे भी टच कर सकते हैं। और मैं आपको यहां पे बहुत चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप इसे दूध में डाल के सैफ्रोन का थोड़ा सा कलर आ जाता है उसको पी लेंगे तो वो जो रतन है उसको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ये एक एग्जाम्पल है, अगर आप ने कोई रतन डाल रखा है, फॉर एक दूसरी बात भी मैं साथ में जोड़ देना चाह रहा हूं, अगर आपने रूबी पहन रखा है, सूर्य का रतन रूबी माणिक, अगर उसकी एनर्जी कम हो चुकी है तो सिंपल चीज बताने जा रहा हूं, गुड़ और शहद ये खाना शुरू कर दे एवरीडे, आपको पहले दिन से पता लग जाना शुरू हो जाएगा कि क्या से क्या हो गया, ये फिर से जाग पड़ा है, इसकी एनर्जी फिर से ऑन हो चुकी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें डे बाई डे आपकी तरफ लेकर आते रहेंगे दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है। हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको डे बाई डे नई इंफॉर्मेशन आए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इसके ऊपर आप कॉल करिए, कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप जान सकते हैं कौन सा रत्न आपके लिए, आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए बना है। सिर्फ और सिर्फ इस नंबर के ऊपर आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, छोड़िए डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, आपको अपॉइंटमेंट प्रोसीजर आएगा, देन यू कैन फॉलो द प्रोसीजर, आप घर बैठे अपने बारे में जान पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।